हमारी यात्रा शिवगली पहुंच चुकी है और यहाँ शिवगली हमें कुछ मिनट ठहरना है। मेरा दूसरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया है यहाँ से, शिवगली माता यात्रा का सेकंड ब्लॉग। और अभी हम पहुंच चुके हैं मैंने आपको शिवगली, ये शिवगली का दृश्य है, धुंध छाई हुई है, पहाड़ों का टॉप है यहाँ पे, पहाड़ियाँ नहीं है, पहाड़ियाँ हैं इस एरिया की, डूडू बसंतगढ़ की। तो मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए, आज हमने यहाँ से नीचे जाना है शिवगली के लिए, वो जो मंदिर दिखाई दे रहा है वो शिवगली का है, वहाँ जाना है हमने। आज हमारी छड़ी वहाँ रहेगी और सुबह ही हमने वहाँ से पैदल आना है और इस टॉप पे आना है। और यहाँ पे माता रानी का दरबार है और यहाँ दर्शन करने हैं हमने और यहाँ बैठना है। पूरा दिन मेला लगेगा और शाम को अब यहाँ से कल हम वापस निकलेंगे। तो ये देखिए यहाँ का कितना अच्छा व्यू है, नज़ारा है। यहाँ पे भंडारे का आयोजन करा हुआ है। तो ये वाली साइड हमारी जो है ना, ये डूडू बसंतगढ़ वाली साइड है और ये पूरा डूडू बसंतगढ़ का एरिया पड़ा। और इस साइड नीचे जो है तो ये रामनगर वाली साइड पड़ी। यहाँ से रामनगर बिल्कुल पास में है, तो बहुत ही अच्छी लोकेशन है इन पहाड़ियों की। तो आगे का व्यू मैं आपको दिखाती रहूँगी। जय माता दी। अभी यहाँ शिवगली में मेला लगा हुआ है। मेला लगने के बाद मतलब यहाँ एक दो घंटा रुकेंगे, बारिश भी, और देखिए मेला लगा हुआ है, लोगों में कितना उत्साह है नाचने का। और इसके बाद हमें अभी इधर नीचे जाना है, नीचे शिवगली में गांव पड़ता है छोटे नीचे, वहाँ पे माता का थान है, वहाँ हम जाएंगे। अभी हम पहुँच चुके हैं शिवगली वाली माता रानी के दरबार में। यहाँ पर देखिए आप कितना बड़ा स्थान है माता रानी का, मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत बड़ा स्थान है यहाँ पे। माता जी, अभी हम पहुंच चुके हैं तो मंदिर के प्रांगण में और यहाँ देखिए कितनी लाइन लगी हुई है। अभी तो यात्रा छड़ियाँ नहीं पहुँची है, जैसे छड़ियाँ पहुँचेंगी तो ये लाइन और भी लंबी होती जाएगी। और यहाँ पे आज मेले का आयोजन भी होता है और दिन भर यहाँ पे मेला लगेगा। और दिखाते हैं आपको मेले के दृश्य भी और यहाँ की लोकेशन भी। तो चलते हैं प्रांगण में। अभी भी कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे भजन कीर्तन का, लगभग दो तीन बजे तक चलेगा।